हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज हम लोग एक बहुत जल्दी कैसे बिरयानी बनाते हैं, बिरयानी चिकन बिरयानी बहुत जल्दी प्रेशर कुकर में वन गो में कैसे बनाते हैं हम लोग एक बार देखेंगे। तो जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो पहले भी मैंने किया है, आप लोग प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। सो यू जस्ट गो टू द सब्सक्रिप्शन बटन, क्लिक ऑन द बटन एंड जस्ट क्लिक ऑल ऑप्शंस, एंड तो आप लोगों को ये पूरा चैनल का सभी अपडेट मिल जाएंगे। सो ये चैनल एक ऐसा खास चैनल है यूट्यूब में जो प्रेशर कुकर को लेके ही डील करता है, प्रेशर कुकर का टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स एंड बहुत सारा टेक्निकल इशूज एंड कुछ कुछ रेसिपीज एंड रिव्यूज़ ऑफ द प्रेशर कुकर एंड द कंपनी। सो आज हम लोग एक रिव्यू, एक रेसिपी लेके हाजिर हुई है, तो चिकन बिरयानी। तो उसके लिए क्या लगेगा, देखिए बासमती राइस जो चावल है वो मैंने धो के रखा है, ये मैं मेरा अंदाज अनुसार लिया है, तो इसमें 600 ग्राम लगभग चावल है, 600 ग्राम तो धो के मैंने रखा है, आधा घंटा हो गया, तो ये भीग भी गया है, तो ये देखिए ऐसे हुआ है, धो के रखने के बाद ये ऐसा हुआ है, तो आधा घंटा बस हुआ है। सो उसके बाद जो लगेगा ऑब्वियसली चिकन का पीस, सो इसमें तो पीसेस है, तो ये मैंने दही, जो खट्टा दही है था, खट्टा दही देके मैंने मैरिनेट करके रखा है, इसमें एक घंटा तो लगभग मैरिनेशन हुआ है। एंड इसमें जो है एक पेस्ट है, जो प्याज लहसुन अदरक एंड हरी चिली का पेस्ट है, तो अगर आप लोग चाहे तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, पर मैं प्रेफर नहीं करता हूँ रेड चिली, तो इसीलिए मैंने हरा चिली डाला है। एंड ये जो है गरम मसाला का पाउडर है, आप लोग बाहर से भी ला सकते हैं या घर में भी बना सकते हैं, तो मैं ये घर में बना हुआ गरम मसाला पाउडर। ये आलू है मैंने काट के रखा है, एंड ये बारीक कटा हुआ प्याज, ये मेरा लगेगा, ये मैं थोड़ा सा फ्राई करके रखूँगा बेरस तक के लिए। एंड ये छौंक के लिए देखिए, ये तेज़पत्ता, ये हरी, थोड़ा सा लाल मिर्च, जो गोटा लाल मिर्च होता है, ये है काली मिर्च जो गोल मिर्च बोलते हैं, पेपर, होल पेपर, एंड ये दालचीनी, इलाच एंड लौंग, तो ये सब तो मैं छौंक के लिए लगाऊंगा। एंड नॉर्मली जो लगता है थोड़ा सा मैं घी एंड वाइट ऑयल डाल के मैं ये बनाऊंगा, एंड उसके साथ तो लगेगा नमक तो लगेगा ही टेस्ट अनुसार, तो बस, और थोड़ा सा खट्टा दही भी लगेगा। तो मैं आता हूँ, पहले मैं ये मैं प्रेशर पैन लिया हूँ, ये प्रेशर पैन देखिए, ये सीनियर प्रेशर पैन है, लगभग ये बॉडी का जो कैपेसिटी है 4.5 लीटर का, तो ये प्रेशर पैन मैंने क्यों लिया हूँ, ये काम आप लोग प्रेशर कुकर में भी कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा सा भूनना पड़ेगा, तो प्रेशर कुकर इज़ नॉट सुइटेबल फॉर सौतेइंग और फ्राइंग, सो इसीलिए मैंने प्रेशर पैन लिया हूँ। इसका तला थोड़ा सा मोटा है, तो इसीलिए इसमें खाना चिपक नहीं जाता है, तो और जल भी नहीं जाता है खाने जब आप लोग सौते कर रहे हैं या डीप फ्राई कर रहे हैं, तो इसीलिए मैंने प्रेशर पैन लिया हूँ। तो ये आउटलेट मॉडल है, तो आउटलेट मॉडल में प्रेशर पैन मिलता है, अगर इनरलेट मॉडल में आप लोग चाहे तो ले सकते हैं, हेवी बेस मॉडल हॉकिंस का मिलता है। सो अभी मैं क्या करूँगा, इसमें जो तेल एंड घी डालूँगा, डाल के मैं ये छौंक लगाऊँगा, लगा के मैं ये पहले प्याज को फ्राई कर लूँगा एंड ये आलू को भी फ्राई कर लूँगा। सो देखिए मेरा ये तेल गर्म हो चुका है, तो मैं प्लान थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, पहले मैं ये आलू को फ्राई करके रखूँगा एंड ये प्याज का बेरस्ता करके रखूँगा, उसके बाद मैं ये छौंक देके ये प्रोसीड्योर शुरू करूँगा। तो पहले ये आलू एंड ये प्याज को मैं फ्राई करके अगेन पहले रखता हूँ, ये आलू एंड प्याज को इस तेल पर फ्राई करके रखता हूँ, उसके बाद ये छौंक देके शुरू करूँगा। सो देखिए आलू फ्राई हो गया है एंड ये प्याज का बेरस्ता भी मैंने तैयार करके रखा है, अभी जो बचा हुआ तेल है उसमें ये छौंक डालूँगा, छौंक डाल के ये मसाला थोड़ा सा भून लूँगा, उसके बाद चिकन डालूँगा, उसके बाद ये चावल डालूँगा, छौंक लगा दिया, उसके बाद ये मसाला डालूँगा, तो मसाला लगभग भून चुका है, अभी मैं ये जो गरम मसाला पाउडर है, ये गरम मसाला पाउडर अंदाज अनुसार डाल दूंगा एंड थोड़ा सा नमक भी डाल दूंगा। तो मसाला भून चुका है, मैं चिकन का ये जो पीस है डाल दिया हूँ, अभी इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगा। देखिए मैं इसको भून रहा हूँ,
ऐसे ये उबलना शुरू हो गया है। तो जस्ट ऐसे मैं जस्ट ये ढक्कन को क्लोज नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे ढक रहा हूँ ताकि चिकन थोड़ा सा नरम हो जाए, उसके बाद तो प्रेशर कुक होगा। तो ये ऐसे मैं 5-6 मिनट रखूँगा। सो देखिए ये चिकन मसाला के साथ भून रहा है और इसमें मैं टेस्ट अनुसार नमक, चीनी थोड़ा सा मिला दिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप लोग जीरा पाउडर मिला भी सकते हैं, नहीं भी मिला सकते हैं, पर मैंने मिला दिया। अभी तो ये मैं भून रहा हूँ, उसके बाद मैं ये चावल को दूंगा। तो ये चावल जब दूंगा तब थोड़ा सा सावधानी से मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेशर कुक हो रहा है ना, तो चावल और पानी का जो रेशियो है वो काफ़ी ठीक होना चाहिए, नहीं तो ये गल जाएगा। तो ये प्रॉपर होना चाहिए, तो चावल जब मैं दूंगा तब आप लोगों को दिखा दूंगा। सो मसाला भूनने के बाद मैं थोड़ा सा इसमें खट्टा दही भी मिला दिया, तो और भी थोड़ा सा मैं भून लूँगा ये दही के साथ, इसमें टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है। सो देखिए ये भूनना कंप्लीट हो गया है, तो मैं अभी क्या करूँगा, अभी तो मैं ये चावल जो है चावल दे दूँगा। तो चावल तो मैंने भिगो के रखा है, धो के पूरा रखा है, तो चावल तो पूरा भीग चुका है, देखिए ऐसा हुआ है। तो मैं ये जो काप है ना, ये काप में मैं काउंट करके चावल को इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। तो मैं गिनूँगा कितना कप चावल मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, तो पहले मैं ये कर रहा हूँ। सो देखिए मैं चावल को तो ट्रांसफ़र कर दिया है, तो ये कप का 4.5 कप चावल हुआ है, 4.5 कप। तो मैं क्या करूँगा, 4.5 कप चावल हुआ है ना, तो मैं 4 कप टोटल पानी एंड दूध मिला के डालूँगा। ध्यान से सुनिए, 4.5 कप चावल हुआ है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ग्रेवी बचा हुआ है, तो वो ग्रेवी को भी मुझे कंसिडरेशन में लेना चाहिए। तो इसीलिए 4.5 कप चावल में मैं 4.5 कप पानी या दूध नहीं डाल रहा हूँ, मैं 4 कप डाल रहा हूँ। तो 4 कप जो लिक्विड मैं डालूँगा, तो उसमें 2 कप दूध होगा एंड 2 कप पानी होगा, तो मैं वही अभी डालूँगा इसमें। एंड ये जो आलू है, ये आलू भी मैं मिक्स कर लूँगा, एंड ये बेरस्ता का हाफ मैं इसमें दे दूँगा, एंड बाकी बेरस्ता साफ करने के वक्त मैं दे दूँगा। एंड ये जो है मीठा आतर, ये मैं इसमें थोड़ा सा खुशबू आती है बिरयानी का, तो ये मैं बहुत कम ही डालूँगा, बहुत कम। सो देखिए सब कुछ मैंने मिला दिया, अभी मैं ढक्कन बंद करूँगा। देखिए ये बॉयल भी हो रहा है, अभी मैं ढक्कन बंद कर रहा हूँ एंड ऐसे बस मैं सीटी लगाऊंगा। सो मैंने विसल भी लगा दिया, अभी मैं वेट करूँगा विसल आने के लिए। सो प्रेशर कुकर में विसल आ रहा है, फर्स्ट विसल हो गया है। अभी मैं क्या करूँगा, ये देखिए मैं पानी लेके इधर चेक कर रहा हूँ, ये अगर तला जल रहा है तो मुझे ये पानी जब मैं ये इसको दे रहा हूँ तो ये डिफ्लेट करके निकलेगा, तो अभी थोड़ा थोड़ा सा डिफ्लेट कर रहा है ताकि तला जल रहा है। तो और एक विसल डालूँगा, अभी तक जला नहीं है, देखिए ये देखिए अभी पानी, अभी ये देखिए इधर से डिफ्लेक्ट होके आ रहा है, देखिए पानी डिफ्लेक्ट हो रहा है, ये इसका मीन्स अभी तला जलना शुरू हो गया है। तो इसका मीन्स तला में थोड़ा सा एक लाल रंग होगा, तो अभी मैं और एक विसल लाने के बाद मैं गैस बंद कर दूंगा, तो इसमें जलेगा नहीं। बस अभी मैं गैस को बंद कर रहा हूँ, बहुत सुंदर एक खुशबू निकल रहा है, तभी मैं पूरा प्रेशर रखूँगा, उसके बाद खोल के दिखाऊँगा। सो देखिए प्रेशर नॉर्मली निकल गया, अब मैं प्रेशर खोल के ये राइस आप लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए कितना खिला खिला राइस बना है। तो मैं ये राइस थोड़ा सा ये प्लेट पे सर्व करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ बिरयानी कैसे बना है। टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, मैं टेस्ट किया हूँ, पर मैं थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ कैसे हुआ है। सो देखिए मैं इसको सर्व करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए कितना खिला खिला राइस बना है, ये देखिए कितना खिला खिला राइस बना है, ये टोटल बिरयानी है। एंड मैं उधर से कट के मैं थोड़ा सा ये प्लेट पे आप लोगों को दिखा रहा हूँ, चिकन भी काफ़ी ठीक ठाक से बॉयल हुआ है, आलू भी मस्त हुआ है, ये देखिए आलू काट के भी दिखा रहा हूँ, ये देखिए देखिए।
तो बहुत सुंदर हुआ है, टेस्ट भी काफ़ी मस्त हुआ है, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड बहुत आसानी से हो जाता है, प्रेशर कुकर में एक बड़े में हो जाता है, दम देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग इजीली बना सकते हैं घर में। बच्चे लोगों के लिए काफ़ी सेहतमंद है ये खाना। तो बस आज तो इस तक ही है, तो मैं नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके फिर हाजिर हूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, एंड ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एज यू नो योर सब्सक्रिप्शन इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ दिस चैनल। सो नेक्स्ट कोई एक वीडियो लेके हाजिर हूँगा, तब तक के लिए नमस्कार, बाय, थैंक यू।